Hi guys, welcome to Study Swag Se. I am Pritham Paul, a third professional MBA student from Bardhaman Medical College and Hospital. So, bahut din baad main video upload kar raha hu. Sorry for the delay. Actually, was busy related many things. First of all, college ka fest hai raha. College ka fest mein new UG students ke liye bhi ek surprise hoga. I will reveal it soon. And the thing is that abhi counseling procedure hua tha hum log ka college mein. बाकी प्री फेस्ट इवेंट्स एकेडमिक फेस्ट हुआ था हम लोग का कॉलेज में. सो आई वाज बिजी रिगार्डिंग ऑल दैट, सो सॉरी फॉर द डिले. बट आई होप अब से मैं ट्राई करूंगा कि रेगुलर वीडियो आए. तो आज का टॉपिक है MBBS फर्स्ट ईयर, हाउ टू स्टार्ट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बहुत लोगों मेरे इंस्टा में बहुत सारा मैसेजेस आया भाई, अभी हम जस्ट फर्स्ट ईयर में आए हैं, तो हाउ टू स्टार्ट. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक चीज डिस्कस करेंगे, हर चीज डिस्कस करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है. एकदम टेंशन मत लो, सब डाउट क्लियर होगा एट द एंड, ठीक है. फर्स्ट सब्जेक्ट क्या क्या है? एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है. अब तक तो पता चल ही जाया होगा कि फिजियोलॉजी तो ऑलरेडी तुम लोग नीट यूजी के टाइम से पढ़ रहे हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑल दैट. बायोकेमिस्ट्री भी बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में बहुत सारा आइडिया है, बट इस बायोकेमिस्ट्री एनाटॉमी है वो पूरा नया चीज है. एनाटॉमी क्या है? हम लोग का बॉडी जो है, बॉडी के अंदर मसल्स है, बॉडी के अंदर स्किन है, एक टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है, ठीक है. ऐसे जो बॉडी कैसे बनता है, ये जो हार्ड मंग्स वाला बॉडी देख रहे हो ये तो ऐसे नहीं बना है. सेल से टिश्यू, टिश्यू से सब कुछ ऐसे ऐसे करके बना है, तो कैसे बन रहा है बॉडी, वही एनाटॉमी, ठीक है. तो बात एक चीज है कि क्या क्या बुक्स फॉलो करना चाहिए. बुक्स के लिए मैं बहुत जल्दी मैं ट्राई करूंगा बहुत जल्दी एक सेपरेट वीडियो ले आने के लिए. तो इसमें मैं बुक्स ज्यादा से डिस्कस नहीं किया. तो बहुत लोग बोलेगा कि कॉलेज लिस्ट, हम लोग को एक कॉलेज लिस्ट पकड़ा दिया, हर कॉलेज से देता है. मैं भी खुद का कॉलेज का लिस्ट मैं ही बनाया हूँ, मैं और मेरा जो जूनियर्स है सब लोग मिलकर बनाया है. तो द थिंग इज दैट यू विल आस्क कि वो लिस्ट का सब बुक खरीद ले. नहीं भाई, देखो कॉलेज लिस्ट जब बनाना होता है तब हम लोग एनाटॉमी के लिए विश्रम सिंह भी बोलते हैं, BDC भी बोलते हैं, बट कोई एक खरीदना है जो तुमको अच्छा लगे, जो तुमको सूट करे, सब एक एक करके नहीं खरीदना है, ठीक है. दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी. चलो एकेडमिक्स रिलेटेड थोड़ा बात कर लेते हैं. भैया पढ़ाई बहुत ज्यादा है. अगर तुम नीट यूजी का टाइम में एक बूंद था, अभी एक नीट यूजी का टाइम में अगर एक बूंद पानी था, अभी है ओशन, ठीक है. तो ये जो पोस्ट नीट इनर्शिया है, अरे मेडिकल कॉलेज मिल गया भाई, अभी तो लाइफ में मजा ही मजा है, अब क्या पढ़ाई वढ़ाई नहीं, लड़के वड़की पटाएंगे, मौज मस्ती करेंगे कॉलेज में आए. तो ये पोस्ट नीट इनर्शिया रहता है, इससे तुमको बाहर आना है, ठीक है. एंड कोई भी चीज सबसे टफेस्ट जो जॉब होता है टू इनिशिएट द चीज, तो आपको स्टार्ट करना है पड़ेगा, ठीक है. शेड्यूल तुम लोग का जो कॉलेज में तो आई थिंक मोस्ट ऑफ जगह स्टार्ट हो ही गया है. थ्योरी क्लास होता है 9 से 12 बजे तक, उसके बाद प्रैक्टिकल होता है. स्मार्ट स्टडी करना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना है. और मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है. बुक्स तो मैं बारे में बोला कि सेपरेट वीडियो में डिस्कस करें. अटेंडेंस वेरी इंपॉर्टेंट. अभी कॉलेज हर कॉलेजेस का नियम है, एटलीस्ट वेस्ट बंगाल का हर कॉलेजेस का जितना मेरे को पता है, 75% अटेंडेंस शुड बी मस्ट. सो क्लासेस मिस नहीं करना है, बी प्रैक्टिकल तो मिस करना ही नहीं है, थ्योरी भी मिस नहीं करना है. और अगर एक नोन फेस होता है, तुमको पहचानते हैं सर, देन सम सॉर्ट ऑफ हेल्प मिलता है. ये बच्चा आता है क्लास में, आता है इसको छोड़ दो, ठीक है. थोड़ा अमाउंट ऑफ सेंटिमेंट रहता है, ठीक है. प्रैक्टिकल्स के बारे में मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल्स कभी भी मिस नहीं करना है. बीट एनाटॉमी डिसेक्शन होता है, डिसेक्शन कभी भी मिस नहीं करना है. बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी में बहुत एनाटॉमी में डिसेक्शन होता है, ठीक है. फिजियोलॉजी में बहुत इंटरेस्टिंग होता है. यू विल नो क्लिनिकल फिजियोलॉजी, कैसे हार्ट बीट मापता है, कैसे तुम्हारा स्फिग्मोमीटर जो ब्लड प्रेशर बीपी मशीन है, कैसे उसको यूज किया जाता है. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. हेमाटोलॉजी का प्रैक्टिकल्स होता है, ठीक है. ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है. और इसके लिए तुमको स्टेथो खरीदना है, ठीक है. हार्ट साउंड जो है वो थोड़ा उतना आइडिया तो अभी नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आइडिया के लिए तुमको स्टेथो खरीदना है. अब लीटमैन नहीं खरीदना भाई, हाँ ठीक है. कोई गिफ्ट दिया तो ठीक है, बट लीटमैन डायरेक्ट खरीदना मत,
ट्राई करना कि कोई सस्ता वाला 500-600 वाला स्टेशन से काम चलाने के लिए, ठीक है। बाकी हिस्ट्री में डिफरेंट लैब एक्सपेरिमेंट होता है, ये भी देखेंगे, ठीक है। चलो फोकस ऑन योर हॉबी टू। याद देखो, कॉलेज आयो, पढ़ाई ज्यादा है ओके, बट अपना जो हॉबी है, जो करके तुमको सुकून मिलता है, उसको हॉबी बोलते हैं, उसको छोड़ना नहीं, ठीक है। अगर गर्लफ्रेंड से बात करके सुकून मिलता है, वो भी छोड़ना नहीं है, बात करना है, ठीक है। अरे मजाक कर रहे थे भाई, ठीक है, पता है सुकून नहीं मिलता है। जो भी हो, फोकस ऑन योर हॉबी टू। कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग हो सकता है, गिटार बजाना आता है तो कॉलेज में तो फेमस हो ही जाओगे, ठीक है। तो अगर आता है तो छोड़ना नहीं है। फोटोग्राफी अच्छा आता है, करो यार, कॉलेज के फोटोग्राफी करो। बहुत जो फेस्ट होता है, फेस्ट में इवेंट होता है फोटोग्राफी का, उसमें पार्टिसिपेट करो। एक्स्ट्रा करिकुलर हॉबी और हॉबी में फोकस करना है, और कॉलेज में तुमको एम्पल अमाउंट ऑफ स्कोप मिलेगा, ये याद रखना है, ठीक है। कोई भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो, स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, सब कुछ खेलना है यार, ट्राई कर ला। इतना दिन तो पढ़ाई की हो, अब कॉलेज में आकर थोड़ा खेलो, मजा करो, यही तो लाइफ है यार, ठीक है। चलो रिलेशनशिप, अब रिलेशनशिप फेरी, ये तो बोलेगा भाई ए, और एक वीडियो बना दीजिए भैया, और एक वीडियो बना दीजिए सिर्फ रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। देखो, रिलेशनशिप डजेंट हैम्पर स्टडी, ठीक है, दिस आर वेरी कॉमन इन मेडिकल कॉलेज जितना हम देखे, बट मैं इसको एलेबोरेट नहीं प्रॉपरली, कूडेंट एलेबोरेट प्रॉपरली, वाई, बिकॉज लैक ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस नहीं है, इस फील्ड में एक्सपर्टाइज नहीं है हम, तो कैसे बोलेंगे भाई। अगर होते तो बोल सकते थे, नहीं है तो नहीं बोल सकते। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैंने इंस्टाग्राम में ऑलमोस्ट 20-30 मैसेजेस आया है कि भाई रैगिंग होता है आपके कॉलेज में, रैगिंग होता है, हाँ जादवपुर में जैसे रैगिंग होता है, आप लोग के कॉलेज में भी, मेडिकल कॉलेज में भी रैगिंग होता है। भाई हम तो पूरा शॉक हो गए, ठीक है। देखो रैगिंग बोल के, एटलीस्ट हम लोग के कॉलेज में जितना मेरे को पता है, और मेरे को जितना पता है वेस्ट बंगाल में रैगिंग बोल के कुछ होता नहीं है, एटलीस्ट मेडिकल कॉलेज का सीनियर मेरे को पता है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। क्या होता है फिर? होता है सीनियर जूनियर इंटरेक्शन, और सीनियर जूनियर इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम लोग जब इंटर्न हो जाओगे ना, तब तुम्हारा जो हाउस टॉप भैया जो है, जो पीजीटी भैया है, वही तुमको काम सिखाएगा। प्रोफेसर रियली आपको काम नहीं सिखा के जाएगा। तो सीनियर जूनियर इंटरेक्शन कहाँ काम आता है याद रखना। जब एग्जाम के एक रात पहले जब कुछ तुम रिवाइज नहीं कर पाओगे, तब तुम जाओगे सीनियर के रूम में, हॉस्टल में जो होता है, मेरे को पता है इसलिए बोल रहा हूँ, सीनियर के रूम में जाओगे और बोलोगे भैया थोड़ा हेल्प कर दीजिए, मैं मेरा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो तुम्हारा भैया क्या करेगा, भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टिक कर देगा, ठीक है, वही सब मैक्सिमम आएगा, ठीक है। और ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एंड ऑब्वियसली सीनियर्स आर द बैकबोन्स ऑफ मेडिकल कॉलेज, एंड आई रेस्पेक्ट, इस वीडियो में बोल रहा हूँ, आई रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी सीनियर ऑफ आवर कॉलेज, नॉट ओनली ऑफ आवर कॉलेज, ऑफ एनी मेडिकल फैटर्निटी, बिकॉज दे आर आवर बैकबोन्स ऑफ द मेडिकल फैटर्निटी, द मेडिकल सिस्टम, ओके, थैंक यू एवरी सीनियर, थैंक यू, ओके। सो हॉस्टल के बड़े, हॉस्टल के बारे में देखो, मैं हॉस्टल क्यों प्रेफर किया हूँ, देखो भाई बात है कि दिस इज़ वेरी चीप। बाहर में तुमको 4,000-5,000 महीने के लगेगा, इधर लगेगा तुमको 12 रुपया, ठीक है। एंड जो फूड मिलता है मेस का, जो कैंटीन का, वो एडजस्टेबल है यार। देखो मैं आई एम माई सेल्फ इज स्टूडेंट ऑफ रामकृष्ण मिशन आनंदपुर, तो ये सब मेरा, मैं इजिली एडजस्ट कर पाया हूँ, और मैं अगर कर पाया तो तुम लोग भी इजिली कर पाओगे। और गुड लिविंग, दोस्त, हंसी मजाक होता है दोस्त लोगों के साथ हॉस्टल में, दैट्स वाई आई हैव प्रेफर्ड हॉस्टल। अब अपने ऊपर मर्जी है, हॉस्टल वर्सेस पीजी, अगर वीडियो चाहिए हॉस्टल वर्सेस पीजी, डू कमेंट हियर। और ये वीडियो कैसा लगा, कौन सा नया टॉपिक के ऊपर वीडियो लगेगा, जस्ट सब बताते रहना, ठीक है। अब एग्जाम्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्जाम हो लाइफ में ना, सीरियसली लेना है, कोई भी, एनी एग्जाम इन योर लाइफ, बीट एनी एग्जाम, एग्जाम लेना है सीरियसली। हाँ भाई, पढ़ के जाएंगे, मजाक करने तो एग्जाम नहीं देने जाएंगे, ठीक है। इंटरनल एग्जाम होता है, ठीक है, बहुत सारा एग्जाम होता है भाई, सब नाम नाम भी मेरे को याद नहीं रहता है, ठीक है। इंटरनल एग्जाम होता है, पार्ट एग्जाम होता है, चैप्टर कॉम्प्लीशन एग्जाम, एक चैप्टर हो गया उसका एग्जाम, ठीक है, और बहुत सारा भाई, बहुत सारा, सेमिस्टर्स होता है, प्रोफेशनल एग्जाम होता है, ठीक है। तो ट्राई टू रीड बिफोर द एग्जाम, दैट सफिशियंट, एंड डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन द रिजल्ट्स। देखो भाई, सेमिस्टर एग्जाम दियो, नया पैटर्न है, नया करिकुलम है, सब कुछ नया है, तो कैसा क्या होगा वो मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, तो पढ़ के जाएंगे एग्जाम देने के पहले, बस वो मेरे हाथ में है,
दैट इज इन अवर हैंड दैट वी विल डू. जो मेरे हाथ में नहीं है रिजल्ट कैसे हो, क्या होने दो. और प्रोफेशनल एग्जाम्स ईजी होता है. फर्स्ट ईयर वेस्ट जो फर्स्ट ईयर क्वेश्चन है, तुम्हारा जो यूनिवर्सिटी है उसका जो पास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन मैं अभी से ही बोल रहा हूँ, वो तुम प्रिंट करवा के रखना. एक चैप्टर सपोज हम लोग का फिजियोलॉजी में देवाशीष प्रामाणिक बुक चलता है वेस्ट बंगाल में, तो देवाशीष प्रामाणिक बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है जनरल फिजियोलॉजी वो पढ़ लिए तुम, ठीक है, पढ़ाई हो गया, गुड. उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो तुम देखे, जो ये वाला क्वेश्चन वाटर टोटल परसेंटेज ऑफ वाटर इन अवर बॉडी, ओ ये वाला पार्ट देवाशीष प्रामाणिक में पेज नंबर 3 में है, ठीक है, तो वो वाला पार्ट और एक बार पढ़ लिए. तो ऐसे करना है, पहले एक बार चैप्टर रीडिंग मार लो, उसके बाद जो पास 10 ईयर्स है उसका एक बार रीडिंग मार लो, बस तुम्हारा चैप्टर रेडी, यू आर रेडी फॉर द एग्जाम्स. ओके, ऐसे पढ़ना है. और प्रॉफ एग्जाम बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी नहीं होता है कोई भी एग्जाम मेडिकल का, सॉरी, बट हाँ कंपेरेटिवली ईजी होता है. सेमिस्टर्स और इंटरनल एग्जाम में थोड़ा आपका हायर एबिलिटी माइंड का वो चेक किया जाता है, बट प्रोफेशनल एग्जाम्स उतना ज़्यादा टफ नहीं होता, ईजी भी नहीं होता है, बट यू कैन ईजिली गो थ्रू इट. ओके, एंड ऑब्वियसली कॉमेंट डाउन कि कौन सा चीज़ के ऊपर, कौन सा टॉपिक के ऊपर आप लोग को वीडियो लगेगा, सो आई विल मेक अबाउट इट. ओके, सो बाय, दिस इज साइनिंग ऑफ फ्रॉम स्टडी स्वैग से. आई एम प्रीतम पॉल एंड आई होप यू विल ऑल हैव ए वेरी गुड 5 ईयर्स इन योर कॉलेज. मस्ती करना, एंजॉय करना, और साथ में याद रखना भाई पढ़ाई भी करना है, ठीक है, चलो बाय.